Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your book Literary Journeys and English Reader for class 8 by Brainroot Publications. Children, on the previous session we did lesson number 15, that is Ram and the Weeping Princess part 1. पार्ट वन स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि राम एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और एक दिन उससे मिलने अंकल माइक आते हैं जो कि उसको एक गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में क्या था, गिफ्ट में था एक एल्बम फुल ऑफ स्टैम्प्स एंड अ बॉक्स फुल ऑफ स्टैम्प और राम को वो बताते हैं कि रेयर स्टैम्प्स क्या होते हैं और साथ ही में वीपिंग प्रिंसेस नाम के स्टैम्प के बारे में भी बताते हैं. अब राम इज़ वेरी एक्साइटेड टू फाइंड द रेयर स्टैम्प इन दैट कलेक्शन. तो आइए हम इस स्टोरी का पार्ट टू पढ़ेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16, द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक राम एंड द वीपिंग प्रिंसेस पार्ट टू. आज की स्टोरी में पढ़ के देखते हैं कि क्या राम को कोई रेयर स्टैम्प मिलता है. सो लेट्स फाइंड आउट. दिस लेसन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस लेसन. आफ्टर डिपार्चर ऑफ अंकल माइक, राम वेंट टू हिज रूम एंड बिगैन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स दैट बिलोंग्स टू अंकल माइक. He found the stamps of many countries, but he was only in the search of Weeping Princess stamp. Does he succeed in his endeavor? Let's read and find out. तो पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जहाँ अंकल माइक आए थे. अब अंकल माइक के जाने के बाद राम अपने कमरे में जाता है और अंकल माइक ने जो उसे बॉक्स फुल ऑफ स्टैम्प्स दिए हैं उसको छांटने लगता है. उसे अलग अलग कंट्रीज़ के स्टैम्प मिलते हैं लेकिन वो उन सब स्टैम्प्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. हर स्टैम्प अट्रैक्टिव है लेकिन उसे तो सर्च है वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प की. क्या राम को कोई रेयर स्टैम्प मिलता है? क्या वो वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प ढूंढ पाता है? आइए पढ़ते हैं. राम रैन स्ट्रेट अप इनटू हिज रूम. ही वाज वेरी एक्साइटेड. ही ओपन द मेटल बॉक्स एंड एम्प्टीड द स्टैम्प्स ऑन टू द फ्लोर. विद द एल्बम बिसाइड हिम राम बिगेन टू सॉर्ट ऑल द स्टैम्प्स. अब नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स. तो राम भागता हुआ अपने कमरे में गया और फिर उसने जो है फर्श पे सारे स्टैम्प्स जो है निकाल के बिखेर दिए. अब एक एक करके वो स्टैम्प्स को अलग करने लगा, उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने लगा. इट वॉज रेनिंग हार्ड. राम हर्ड द फ्रंट डोर बैंक एंड जम्प्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो. ही सॉ अंकल माइक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार. अंकल माइक ड्रोव अवे. ही लुक्ड अप एंड वेव्ड एट राम. राम स्माइल्ड एंड वेव्ड बैक. तो एकदम से राम को बाहर से एक आवाज़ आई तो वो भागता हुआ खिड़की की तरफ गया. उसने देखा कि अंकल माइक जो है अपनी कार की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं. अंकल माइक कार में बैठे और राम को वेव बैक किया, मतलब बाय बाय बोला, और राम ने भी खिड़की से ही अंकल माइक को वेव किया. राम रिटर्न टू हिज स्टैम्प्स. और उसके बाद अंकल माइक के जाने के बाद राम वापस स्टैम्प्स के बीच में आ गया. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प, बिग वंस, स्मॉल वंस, स्टैम्प्स विद पोस्ट मार्क्स एंड सम विदाउट. तो तरह तरह के स्टैम्प्स थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ पे पोस्ट मार्क यानी पोस्ट ऑफिस का मार्क लगा हुआ था, कुछ पे नहीं थे. देयर वर स्टैम्प्स विद पिक्चर ऑफ पीपल्स फेसेस एंड सम विद बर्ड्स एंड एनिमल्स. देयर वर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, यूएसए एंड लॉट अदर कंट्रीज. देयर वर सम स्टैम्प्स फॉर कंट्रीज दैट राम हैड नेवर हर्ड ऑफ. बट राम वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली एट द स्टैम्प्स बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ द वीकीपिंग प्रिंसेस. अब तरह तरह के स्टैम्प्स थे, कुछ चाइना के थे, कुछ जापान के थे, कुछ मलेशिया के थे, कुछ तो ऐसे भी स्टैम्प्स थे जिन कंट्रीज़ का नाम आज तक राम ने सुना ही नहीं था. लेकिन राम हर स्टैम्प को देखता और उसके बाद उसको साइड में अलग करके रख देता क्योंकि उसका तो एक ही चीज़ पे ध्यान था, उसे तो वो वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प ढूंढना था. When he had sorted the stamps into little pile on the floor, he got some envelopes. On each envelope, he wrote a neat letter, the name of the country, and then put the stamp of the country into it. The ones he didn't know, he put into a large brown envelope. On it, he wrote, "Ask Uncle Mike." अब राम ने जब सारे स्टैम्प्स का अलग अलग एक पाइल बना लिया तब वो कुछ एनवेलप्स लेके आया और हर एक एनवेलप में पेन से उसने मार्किंग्स कर दी. हर एक अलग अलग एनवेलप बना लिया कंट्री के हिसाब से. जैसे एक एनवेलप पे उसने लिखा जापान, तो जापान के जितने भी स्टैम्प्स थे उस एनवेलप पे रख दिए. इस तरह मलेशिया का एक एनवेलप बनाया, चाइना का अलग एनवेलप बनाया और सारे स्टैम्प्स इस तरह से एनवेलप्स के अंदर रख दिए और एक बड़ा सा ब्राउन एनवेलप बनाया जिसके अंदर लिख दिया आस्क अंकल माइक. इस एनवेलप में उसने वो सारे स्टैम्प्स डाल दिए जिनको
राम बिल्कुल नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहा था या राम समझ नहीं पा रहा था कि ये स्टैम्प्स किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। एट लंच टाइम राम्स फादर आस्क्ड, हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टैम्प्स दिस मॉर्निंग राम, डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस। तो लंच टाइम पे जब सब लोग खाना खाने बैठे तब राम के पापा ने पूछा, और राम तुम्हारे स्टैम्प्स के साथ कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें कोई अच्छा स्टैम्प या इंटरेस्टिंग स्टैम्प मिला? ओ येस, रिप्लाइड राम, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स इन द बॉक्स, बट नो वीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच। तो राम ने बोला, हाँ पापा बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स हैं, लेकिन मैं तो वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प ढूंढ रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला, लंच के बाद एल्बम में ढूंढूंगा। There are lots of old envelopes at the back of the album. They have stamps on them. तो उसने बोला कि वो जो एल्बम है ना उसके पीछे वाले पेजेस पे बहुत सारे envelopes हैं और उन envelopes पे स्टैम्प लगा हुआ है, क्या पता उनमें ही कुछ मिल जाए। You will have to be careful when you take them off the envelope, said Ram's father. Don't pull them off, but leave them to soak in some water. Then they will come off easily and won't get damaged. तो राम के पापा ने बताया, तुम्हें उन स्टैम्प्स को निकालते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर तुमने ज़बरदस्ती स्टैम्प्स को निकालने की कोशिश की तो स्टैम्प फट जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। एक काम करना, स्टैम्प्स को हल्का सा पानी में लगा के छोड़ देना, वो गीले हो जाएंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे और इस तरह से स्टैम्प्स जो हैं डैमेज भी नहीं होंगे। आफ्टर लंच राम वेंट बैक टू हिज रूम, कैन यू सी, राम इज़ चेकिंग द एनवेलप्स इन द एल्बम। वो अपने कमरे में गया। द रेन हैड स्टॉप्ड बट राम डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब बारिश तो रुक गई थी, चाहता तो राम फुटबॉल खेल सकता था, लेकिन अब राम का ध्यान स्टैम्प्स पे था, उसे फुटबॉल में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। एनी वे द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शावर हैड क्वाइट हैवी। राम ने मन ही मन सोचा कि वैसे भी ग्राउंड तो बहुत गीला होगा क्योंकि जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा थी। राम पिक्ड अप द एल्बम एंड टर्न द पेजेस स्लोली। अब धीरे धीरे राम ने एल्बम को उठाया और उसके पेजेस को टर्न करने लगा। सम ऑफ द पेजेस वर लूज बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड। इन ईच पेज देयर वर अबाउट 9 or 10 स्टैम्प्स। तो हर पेज पर ऑलमोस्ट 9 or 10 स्टैम्प्स लगे हुए थे। सम पेजेस हैड ओनली 2 or 3 स्टैम्प्स ऑन देम। और कुछ पेजेस ऐसे थे जिसमें सिर्फ 2 or 3 स्टैम्प्स लगे हुए थे। राम सून फाउंड आउट दैट दिस वॉज बिकॉज दे वर अरेंज्ड इन सेट्स। अब राम ने बहुत ध्यान से जब एल्बम को देखा तब उसे समझ में आया कि ये स्टैम्प्स एक्चुअली सेट्स में लगे हुए हैं, मतलब एक जैसे स्टैम्प्स एक पेज पे और दूसरे पेज पे दूसरे तरह के स्टैम्प्स। ऑन ईच पेज एट द बॉटम इन वेरी नीट राइटिंग देयर वॉज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स। राम लुक्ड एट द स्टैम्प्स इन एल्बम एंड वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मेनी स्टैम्प्स। अब राम जब स्टैम्प्स को अच्छे से देखने लगा वो मन ही मन सोचने लगा कि अंकल माइक को कितने साल या कितने दिन लग गए होंगे इतने सारे स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड लुकिंग एट द एल्बम ही टुक आउट द एनवेलप्स दैट वर एट द बैक। मोस्ट ऑफ द एनवेलप्स वर ओल्ड एंड फेडेड, द एड्रेसेस रिटन इन द इंक वर पेल। राम कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड, ही कुड सी द एनवेलप्स वर एड्रेस्ड टू मास्टर माइकल डेविडसन। राम वंडर्ड हु वाज ही। सो फाइनली राम ने जब पूरा एल्बम देख लिया तो अब एल्बम के पीछे जो एनवेलप्स लगे थे उनको निकालना शुरू किया। एनवेलप्स बहुत पुराने थे तो उनके रंग जो है वो फीका पड़ गया था, इवन उन पे जो इंक से लिखा हुआ था वो भी काफ़ी हल्का हो गया था। बड़ी मुश्किल से राम ने पढ़ा कि वो सारे एनवेलप्स किसी मास्टर माइकल डेविडसन को है। अब राम सोचने लगा, कौन है ये माइकल डेविडसन जिनको इतनी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। Many of the envelopes had Canadian stamps on them. Ram tried to read the postmarks. He suddenly had a brilliant idea. He went to his shelf and picked up the magnifying glass that his father had given him on his birthday. Now I will be able to see the stamps, address, the postmarks quite clearly, he said to himself. He held the envelope and looked through the magnifying glass. Toronto, he read. That must be a Canadian village or town. अब राम उतने छोटे छोटे राइटिंग्स को पढ़ नहीं पा रहा था, एकदम से उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से उठ के गया और अपने स्टडी टेबल से मैग्नीफाइंग ग्लास को ले आया। मैग्नीफाइंग ग्लास एक तरह का ऐसा लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास राम को उसके पिता ने उसके बर्थडे पे दिया था। अब राम ने उससे जो है स्टैम्प्स को देखना शुरू किया और नेचुरली स्टैम्प्स के जो पोस्ट मार्क है बड़े बड़े दिखने लगे। अब राम ने पढ़ना शुरू किया, टोरंटो यानी ये कनाडा का कोई गांव या विलेज होगा।
He opened the envelope and found a letter in it. He took the letter out and just he was going to start reading it. He remembered what his parents had once said to him, "Don't read other people's letter." He put the letter inside. There were letters in some of the other envelopes, but Ram did not read those. He made a pile of letters on the floor and decided that he should give them to Uncle Mike when he would meet him. तो राम ने एनवेलप खोला, उसके अंदर से एक चिट्ठी निकली. राम ने चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की, बट एकदम से याद आ गया कि उसके मम्मी पापा ने बोला है कि किसी के भी पर्सनल लेटर्स को कभी नहीं पढ़ना चाहिए. तो राम ने चिट्ठी को बिना पढ़े ही वापस उसको बंद कर दिया और फिर बाकी एनवेलप्स से भी जितनी भी चिट्ठियाँ उसे मिली उनको अलग कर दिया. उसने सोचा जब अंकल माइक अगले संडे को आएंगे मैं ये सारी चिट्ठियाँ उनको वापस कर दूंगा. As Ram was pulling out another letter, a few stamps fell into the floor. He picked them up and looked at them. Suddenly, he leaped into shouting, "The Weeping Princess!" He looked carefully at the stamp in his hand and then looked at it again with the magnifying glass. अब जब राम सारी चिट्ठियों को रख रहा था, इतने में एक एनवेलप में से कुछ स्टैम्प्स गिर गए. राम ने जल्दी से उन एनवेलप्स को ठीक से लगाने की कोशिश की और जो स्टैम्प्स बिखर गए थे उनको उठा के रखने लगा. और जब वो ये कर रहा था एकदम से उसकी नज़र एक स्टैम्प पे पड़ी और वो एकदम से चौंक गया. वो चिल्लाया, अरे द वीपिंग प्रिंसेस. उसने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और ध्यान से स्टैम्प की तरफ देखा. जस्ट देन द डोर ओपन एंड राम्स मदर केम क्वाइटली इनटू द रूम. राम, शी सेड, आर यू ऑल राइट, आई हर्ड यू शाउटिंग. तो राम की मम्मी एकदम से कमरे में आई और पूछा, राम सब कुछ ठीक है? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम चिल्ला रहे थे. Look, mother, said Ram, I think I have found the weeping princess. Ram's mother examined the stamp and said, I think you should meet Uncle Mike who will be able to tell you. अब राम की मम्मा को राम ने जब बताया कि उसे वो weeping princess का स्टैम्प मिला है, राम की मम्मी ने उस स्टैम्प को अच्छे से देखा, फिर कहा, मुझे लगता है तुम्हें अंकल माइक को इस बारे में बताना चाहिए, अंकल माइक तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. Ram raced out of the room holding tightly onto the stamp. What's the matter? Asked Ram's father as he came stumbling down the stairs. Ram did not stop shouting as he went past. I have found the princess. He ran straight out of the front door and down the road. Ram's father shouted after him, Don't drop her, and went back reading the Sunday paper. So finally, Ram ने क्या किया? Ram चिल्लाता हुआ नीचे उतरा और भागते भागते पापा को बोला, पापा मुझे वो weeping princess वाला stamp मिल गया. अब राम के पापा ने पीछे से आवाज़ लगाई, राम ध्यान से ज़्यादा तेज़ मत भागो, ऐसा ना हो कि स्टैम्प खराब हो जाए. राम भागते हुए कहाँ गया? हाफ एन आवर लेटर राम एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस ऑफ द ओल्ड ऑस्टिन. राम वॉज सो एक्साइटेड दैट ही डिड नॉट वेट. ही रैन इन टू द हाउस एंड टोल्ड हिज फादर, इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, एट लीस्ट अंकल माइक थिंक्स इट इज़, देर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक. सो फाइनली आधे घंटे बाद अंकल माइक और राम वापस घर के अंदर एंटर हुए और चिल्लाते हुए राम ने क्या बोला खुशी के साथ, ये ही वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प है. एटलीस्ट अंकल माइक को तो यही लगता है कि ये जो टीयर ड्रॉप था, वो जो आंसू का टुकड़ा था, वो इस पे भी बना हुआ है. राम्स फादर लाफ्ड, नाउ जस्ट स्लो डाउन राम, इफ अंकल माइक थिंक्स इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, आई एम श्योर ही इज़ राइट. तो राम के फादर ने बोला, अब तुम भागना बंद करो राम, शांति से बैठ जाओ, अगर अंकल माइक कह रहे हैं कि ये वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प है तो ये वही होगा. व्हेन अंकल माइक केम एवरीवन वाज स्माइलिंग. अंकल माइक सेड, आई हैव हैड दिस स्टैम्प फॉर ऑल दीज इयर्स एंड आई नेवर न्यू. नाउ दैट आई हैव गिवन द एल्बम टू राम, इट बिलोंग्स टू हिम. आई थिंक दैट राम शुड कीप द स्टैम्प एंड आई होप ही विल फाइंड मेनी मोर रेयर स्टैम्प्स. अब अंकल माइक आए और उन्होंने बोला कि इतने सालों से ये वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प मेरे पास था और मुझे पता ही नहीं था, मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाया. आज मैंने ये राम को दिया और राम ने ढूंढ निकाला, आज से ये स्टैम्प राम का है. मुझे यकीन है कि ऐसे ही राम और कहीं रेयर स्टैम्प्स ढूंढ निकालेगा. राम वॉज ओवरजॉयड, ही स्टूड देयर विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस. विद वन हैंड ही हेल्ड ऑन द मदर साड़ी एंड इन द अदर ही हेल्ड द वाइट एनवेलप. इन इट देयर वॉज द वीपिंग प्रिंसेस. सो राम जो है अंकल माइक की बातें सुनते ही बिल्कुल खुश हो गया, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई. एक हाथ से उसने अपनी मम्मी की साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ में वो खुशी खुशी एक एनवेलप पकड़े हुए था जिसके अंदर वो वीपिंग प्रिंसेस वाला स्टैम्प था. सो फाइनली इन द पार्ट टू ऑफ द स्टोरी वी हैव कम टू नो दैट राम हैज़ फाइनली मैनेज टू फाइंड द वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प.
सी, कई बार हमारे पास कोई चीज़ होती है हमें पता ही नहीं होता और दूसरे लोग वो पता कर लेते हैं। जैसे कि अंकल माइक के पास स्टैम्प वाला एल्बम इतने सालों से था और वो वीपिंग प्रिंसेस वाले स्टैम्प को ढूंढ भी रहे थे, रेयर स्टैम्प को ढूंढते हुए भी उन्हें पता नहीं चला कि उनके पास इतने सालों से वो स्टैम्प था, लेकिन राम को एल्बम मिलते ही कुछ ही घंटों में राम ने वो निकाल लिया। राइट, नाउ लेट्स डू द वर्ड मीनिंग। सोक मीन्स टू मेक समथिंग कम्प्लीटली वेट, किसी चीज़ को गीला करना। डैमेज मीन्स समथिंग विच इज़ स्पॉइल्ड और हार्म्ड, कोई चीज़ जो खराब हो चुकी है। फेडेड मीन्स समथिंग विच इज़ लॉस्ट द कलर, विच हैज़ बिकम ग्रे और डल, है ना, जिसमें से रंग उड़ गए हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास अ लेंस फिक्स्ड इन अ फ्रेम और अ हैंडल विच कैन एनलार्ज द ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा लेंस जिसको जिससे हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है वो कई गुना बड़ा हो जाता है। एनवेलप अ पेपर कवर ऑफ अ लेटर, है ना, कवर जिसके अंदर हम चिट्ठियाँ पोस्ट करते हैं। डैमेज मीन्स हार्म या इंजुरी, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना। सडनली मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, और ओवर जॉय मीन्स काफ़ी खुश हो जाना, ठीक है। टू कॉज अ फील ग्रेट और जॉय और डिलाइट, यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना या बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सो नाउ चिल्ड्रन वी आर डन विद द चैप्टर एंड द वर्ड मीनिंग्स, इट्स नाउ टाइम टू प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राम वॉज सर्चिंग द स्टैम्प ऑफ इंग्लैंड, वीपिंग प्रिंसेस, जापान, नन ऑफ दीज। सो ही वॉज सर्चिंग द स्टैम्प ऑफ वीपिंग प्रिंसेस, क्योंकि अंकल माइक ने वीपिंग प्रिंसेस के बारे में बताया था और ये भी था कि वीपिंग प्रिंसेस एक रेयर स्टैम्प है, तो राम इसलिए वीपिंग प्रिंसेस के स्टैम्प को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सेकेंड, राम डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, स्लीपिंग, ईटिंग, नन ऑफ दीज। सो राम वॉज नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड, मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड डैश ऑन देम, हैड, मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन देम। कैनेडियन स्टैम्प्स, सो सी पार्ट इज करेक्ट। फोर्थ वन, हु फाउंड द स्टैम्प ऑफ वीपिंग प्रिंसेस, राम, अंकल माइक, राम्स फादर, नन ऑफ दीज। सो राम फाउंड द स्टैम्प ऑफ वीपिंग प्रिंसेस, राइट, राम ने ढूंढ के निकाला था। लेट्स प्रोसीड फर्दर, नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, डैश बिगैन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स, किसने स्टैम्प्स को छांटना शुरू किया था, राम, सो हेयर वी विल राइट राम, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड वन सेज, राम वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली एट द स्टैम्प्स बिकॉज ऑल हु कुड थिंक वॉज द वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प, ठीक है, ही वॉज मोर कीन टू फाइंड द वीपिंग प्रिंसेस, उसका जो इंटरेस्ट था वो था वीपिंग प्रिंसेस को ढूंढ के निकालने में। थर्ड, द रेन हैड स्टार्ट बट राम डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, बारिश तो रुक गई थी लेकिन राम का अब फुटबॉल से ध्यान हट चुका था, उसका मन नहीं था फुटबॉल खेलने का। आइए आगे चलते हैं। फोर्थ वन, ही कुड सी दैट द एनवेलप्स वर एड्रेस्ड टू माइकल डेविडसन, ऑलराइट। फिफ्थ वन, ही वेंट टू हिज शेल्फ एंड पिक्ड अप द मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके पापा ने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास दिया था तो वो उठा के लाए मैग्नीफाइंग ग्लास, क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, विद वन हैंड ही हेल्ड ऑन टू हिज मदर्स साड़ी, एक हाथ से उसने मदर की साड़ी पहनी पकड़ी हुई थी, एंड इन द अदर हैंड ही हेल्ड अ वाइट एनवेलप, ऑलराइट। नेक्स्ट, आगे पढ़े, सी एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, फिर जो सेंटेंस सही है उसके आगे टी यानी ट्रू लिखना है और जो सेंटेंसेस गलत है उसके आगे एफ यानी फॉल्स लिखना है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, राम गॉट स्टैम्प्स ओनली फ्रॉम टू कंट्रीज, नो दिस इज फॉल्स, राम हैड गॉट स्टैम्प्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कुछ कंट्रीज का तो उसको नाम भी नहीं पता था। सेकेंड, द स्टैम्प्स दैट राम डिडंट नो ही पुट इनटू अ लार्ज ब्राउन एनवेलप, यस ट्रू, उस पर उसने ये भी लिखा था आस्क अंकल माइक, ताकि वो बाद में अंकल माइक से पूछ सके,
थर्ड द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शावर हैड बीन क्वाइट हैवी. येस ट्रू, ग्राउंड गीला होगा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज थी. फोर्थ वन, मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड अफ्रीकन स्टैम्प्स ऑन देम. नो, दिस इज फॉल्स. मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन देम. ओके. फिफ्थ, राम ओपेंड एन एनवेलप एंड फाउंड अ विजिटिंग कार्ड इन इट. नो, राम ओपेंड एन एनवेलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट. विजिटिंग कार्ड नहीं, लेटर मिला था उसे, तो दिस इज फॉल्स. ओके. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैड डन विद द एक्सरसाइजेज. आई होप दैट यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स. आपने सारे आंसर्स कर लिए होंगे. So with this we come to an end of today's session. A very interesting story. We finish with the part 2 of the story and find out that actually Ram was able to discover the rare stamp of weeping princess. All right. So with this we end today's session. I hope you enjoyed the session. I will meet you soon again with something new and interesting. Bye bye and take care and have a wonderful day ahead.